हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 3.2 करेंगे। इससे पहले हमने वीडियोस अपलोड करी हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चैप्टर 1 और 2 की और 3.1 और हमने इंट्रोडक्शन भी अपलोड किया है, वो सब जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज को, इस प्रश्नावली को करने से पहले हम इसका जो है बेसिक समझ लेते हैं, ताकि जब हम ये एक्सरसाइज करें हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। क्योंकि जो एक्सरसाइज है हमारी बेस है प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर में, तो हम जानेंगे कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। कौन सी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक या अपना ही नंबर हो, जैसे कि 2। अब 2 जो है सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा? 1 गुणा 2 2, तो इसका गुणनखंड क्या बन रहा है? 1 और खुद अपना ही नंबर। ऐसे ही 3 है, 3 का भी 1 गुणा 3 ही बनेगा, क्योंकि और तो किसी टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, ऐसे और बहुत सारे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो अपने ही नंबर से जो है वो डिवाइड होते हैं, और उनका गुणनखंड सिर्फ इस तरीके से बनता है, तो वो संख्या जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब इसे 9 है, 9 का 1 गुणा 9 भी करोगे आप, 9 हो जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 3 9 हो जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड बन गए इसके? इसके जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक है, 1, 2 और 3, यानी कि इसका गुणनखंड है 1, 3 और 9। 2 से अधिक गुणनखंड बन गए ना, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड बन जाते हैं वो जो है हमारी भाज्य संख्या होती है, और जो सिर्फ 1 या अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखें, ना तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, यानी कि जो 1 है ना तो वो हमारा प्राइम नंबर में आता है और ना ही हमारा वो कॉम्पोजिट नंबर में आता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये हमें हमारी अभाज्य और भाज्य संख्याएं। सम और विषम संख्याएं, यानी कि इवन एड और नंबर। सम और विषम संख्याएं कौन सी होती है ये हम देखेंगे। जो संख्याएं 2 का गुणज होती हैं वह संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, यानी कि जो 2 का गुणज होती है, 2 का गुणज मतलब जो आप ऐसे बोल सकते हो जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जो 2 से भाग हो जाती हैं, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और भी जो है काफी सारे जो आगे हैं। जो जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती है, यानी कि जो संख्या 2 का गुणज होती है, 2 का गुणज होती है, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। सिंपल लैंग्वेज आप ये समझ लो कि जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं, 2 से भाग होना या 2 का गुणज होना एक ही बात है, तो वो सम संख्याएं हैं। जो संख्याएं 2 का गुणज नहीं होती, मतलब कि जो 2 से भाग नहीं होती, वो हमारी विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। हमने जो भाज्य और अभाज्य संख्या करी थी, तो सबसे छोटी जो सम संख्या क्या है वो 2 है, ऐसे ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो भी 2 है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है। 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या, यानी कि 2 को अगर हम छोड़ दें प्राइम नंबर्स में, अभाज्य संख्या जो है 2, 3, 5, 7, 11 होती है, अगर उसमें हम 2 को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो क्या है? विषम है, यानी कि वो सारी ऑड नंबर्स हैं, अगर हम 2 को छोड़ दें अभाज्य में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको, सम और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं।
अब हमने इसका जो है बेसिक समझ लिया है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों, सम संख्याएं हों, हमें बताना है कि अगर हम दो संख्याओं को, अगर दो विषम संख्याओं को आपस में योग करते हैं, आपस में प्लस करते हैं, तो उनका जो आंसर है वो क्या आता है। अगर हम दो सम संख्याओं को आपस में प्लस करते हैं तो उनका आंसर क्या होता है, विषम होता है या सम होता है, ये हमें बताना है। तो अगर हम दो किसी विषम संख्याओं को आपस में योग देते हैं तो जो उन दो विषम संख्याओं का योग सम होता है और दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है, यानी कि एक और तीन, ये क्या है हमारी विषम संख्या। अगर हम इन दोनों को योग देंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर सम आएगा। दो सम संख्याओं का योग देते हैं तब भी हमारा आंसर सम ही आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। तीन विषम संख्या, तीन का नहीं होता, दो विषम संख्याओं का जो योग है वो सम होता है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का, दो अगर विषम संख्याएं हैं और एक सम संख्या है, अगर हम उनको प्लस कर रहे हैं तो आंसर हमारा सम संख्या में आता है, तो ये सत्य है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अगर तीन संख्याओं का अगर हम गुणनफल निकाल रहे हैं, कौन सी विषम संख्याओं का, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा विषम संख्या में आएगा, तो ये सत्य है। यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए, किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, तो ये असत्य है। अगर हम किसी भी सम संख्या को दो से भाग करते हैं तो जो उसका आंसर होता है, यानी कि जो भागफल होता है, वो हमेशा सदैव विषम होता है, तो ये असत्य है, ऐसा नहीं होता। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या में दो भी आता है, ठीक है। तो दो हमारा जो है वो विषम में नहीं आता, वो सम में आता है, इसलिए सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं है, दो को छोड़ के बाकी सारी जो है वो विषम है। अभाज्य संख्याओं में कोई गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्याओं में भी गुणनखंड होते हैं, तो ये असत्य है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये भी असत्य है। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, ये सत्य है, क्योंकि केवल दो ही जो है वो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। दो सम संख्याओं का गुणनखंड सभी, ये हो गया था हमारा, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, ये सत्य है। सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ये असत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती, इसलिए यहां पे क्या लिखा है उन्होंने, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, ये असत्य है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, यानी कि अगर दो सम संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो जो उसका आंसर है वो भी सम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए, यानी कि जैसे 13 और 31 है ना, इसमें भी 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है, तो इसको क्या कर रखा, पहले 1 को आगे लिख रखा, फिर 3 को बाद में, ऐसे 3 को पहले लिख रखा, 1 को बाद में, ऐसे में 100 तक की संख्या में बताना है कि ऐसे कौन, कितने अंक ऐसे जो है वो आते हैं, वो हमें इसमें बताना है। अगर हम 100 तक देखें तो ये हमने सारी 100 तक जो है इसमें हमने लिख ली है, 2, 3, 5, कौन कौन से लिखे हमने, ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, हमने सिर्फ अभाज्य संख्या ही लिखनी है, क्योंकि 13 और 31 भी जो है वो अभाज्य संख्या है, उसी के हिसाब से हमें करना है। तो ये सारी अभाज्य लिख ली, अब इनमें से कौन सी हैं जो इस तरह से जोड़े बनते हैं, 13 और 31 यानी कि एक, ऐसे ही 17 और 71, एक इस पहले, 7 बाद में, 7 पहले, ऐसे ही 37 और 73, और आगे से 79 और 97 भी जो है इस टाइप के जोड़े जो है इनमें बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19,
और 20 से छोटी भाज्य संख्या लिखनी है। तो 20 से छोटी जो है वो भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 तथा 18। प्रश्न 5 है, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या है 2, 5 और 7, और जो सबसे बड़ी है वो है 7। एक और इसलिए 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 7। प्रश्न 6, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 2 विषम अभाज्य संख्या। अब 44 का हमने इस टाइप से करना है, इसको हमने क्या करा, ये दोनों कौन सी संख्या है, ये विषम भी है और अभाज्य भी है, तो दोनों को हमने, अगर हम 13 जमा 31 करते हैं 13+31 तो हमारा नंबर 44 जो है वो बनता है। ठीक है, ऐसे हमें 2 नंबर लिखने हैं, 2 विषम अभाज्य संख्याओं को योग के रूप में, हमने इसको योग के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया। ऐसे 36 5+31, 5 जमा 31 36 होता है, 11 जमा 13 24 होता है, 18 7 जमा 11 18 होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने विषम संख्या भी है और ये अभाज्य संख्या भी है। प्रश्न 7, अभाज्य संख्याओं में ऐसे 3 युग्म जिनके अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं में ऐसे 3 युग्म लिखने हैं जिनके, जिनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। टिप्पणी यहाँ पे हमें दे रखी है, 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 है अभाज्य युग्म कहलाती हैं। अब अभाज्य युग्म क्या होता है, अभाज्य युग्म यानी कि जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं, 2 संख्याएं है होती है उसमें, वो दोनों जो है वो अभाज्य होती है, और जो उनके बीच का अंतर होता है ना वो 2 होता है। जैसे कि 3 और 5, अगर हम 5 में से 3 को माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 2 आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या और ये भी, और इनके बीच का अंतर 2 है। ऐसे ही 5 और 7, इनके बीच का अंतर 2 है, 11 और 13, इनके बीच का अंतर 2 है, और ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 23 है, क्योंकि इसका गुणनखंड और नहीं बनता कोई, तो जिसका गुणनखंड 1 यानी कि 1 या फिर अपना ही नंबर होता है तो वो अभाज्य संख्या होती है, अभी हमने समझा था। ऐसे 51 क्या है, भाज्य संख्या क्योंकि इसके गुणनखंड 1, 3, 17 और 51 है, यानी कि 2 से ज्यादा बनते हैं। 37 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 1 और 37 है। 26 भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 1, 2, 13 और 26 है। प्रश्न 9 है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 100 से छोटी होनी चाहिए 7, सिर्फ 7 लिखनी है लगातार, क्रमागत मतलब एक एक कॉन्टिन्यूटी में, और उसके अंदर कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 100 से छोटी यहां से हमने लिखा है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 सारी जो है हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ये 100 से छोटी और 7 हमने लिख दी यहां पर। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले हमने 2 में किए थी, 2 कहां की थी हमने, प्रश्न 6 में, जो विषम और अभाज्य दोनों थी, लेकिन हमने सिर्फ 2 संख्याएं ली थी। यहां पे इन्होंने हमें बोला है 3 अभाज्य संख्या लेनी है। ठीक है, उनको आपस में प्लस करना है, तो हमारा योग 21, 31 ये सब हमारा बनना चाहिए, तो इसको हम करेंगे। अब 21 है, ये तीनों कौन सी हैं, अभाज्य संख्या, 3, 5 और 13 तीनों का योग किया 21, इन तीनों का योग किया 3, 5, 23 तो 31, ऐसे इन तीनों का योग करा और हमने, और ऐसे ही इन तीनों का, ये सारी कौन सी हैं, अभाज्य संख्या, और 3 का योग उन्होंने हमें करने को बोला था। अब प्रश्न 11 है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, यानी कि 5 से डिवाइड भी होना चाहिए। हमें क्या लिखनी है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कि ऐसे 5 युग्म लिखिए। ठीक है, जैसे कि ये 2 जमा 3 क्या बना, 5। अब 5 आंसर आया तो 5 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि देखो, उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जांपल में भी दे रखा है कि इस टाइप से करना है, 2 हमने कौन सी अभाज्य संख्या लिखी और जो उसका आंसर आएगा ना वो हमारा 5 से विभाज्य होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए वो।
ऐसे ही 2 जमा 3 ये दोनों अभाज्य संख्या 5। अब 5 जो है जो कि 5 से विभाजित हो सकता है, 7 जमा 3 10 ये भी हमारा 5 से विभाजित हो सकता है, 7 जमा 13 20 20 भी हमारा 5 से विभाजित हो सकता है, 3 जमा 17 ये भी 20 ये भी हमारा 5 से विभाजित हो सकता है, 7 जमा 13 यानी कि 30 ये भी हमारा 5 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, प्रश्न 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक अभाज्य कहलाती है। कौन सी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या तो एक या फिर उसका अपना ही नंबर, तो वह अभाज्य कहलाती है, जैसे हमने समझा था। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य कहलाती है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट होती है, 3.2 प्रश्नावली 3.2। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे के पार्ट करेंगे, आगे की एक्सरसाइज करेंगे और जो बेसिक्स है वो भी साथ साथ में समझेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।